चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 237 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू तो प्रोवाइड फॉर एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट तो पहले इसके प्रोविजंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं तो पहला पॉइंट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर एमेलगमेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसस्� एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट इसके ऊपर एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था अभी एंड में डिस्कस करता हूं आपके साथ. तो कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपना डिसीजन दिया था डेट टू और मोर कंपनीज शुड एमलगमेट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोवाइड फॉर द एलगमेशन ऑफ दोस इंटू ए सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पावर राइट इंटरेस्ट अथॉरिटी एंड प्रिविलजे एंड विथ सच लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर तो क्या मिलेगा फायदा भी मिलेगा साथ में नुकसान भी मिलेगा फायदा इन द फॉर्म ऑफ आपका प्रॉपर्टी पावर राइट इंटरेस्ट अथॉरिटी प्रिविलेज ठीक है ये सब फायदे हैं नुकसान क्या है लाइबिलिटी ड्यूटी ऑब्लिगेशन तो इसका मतलब ये हो गया अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई दो कंपनी को एम कराना चाहे तो वो नहीं करा सकती उनको सेंटर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि जो पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है ना कि स्टेट गवर्नमेंट को तो एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है एमएल कराना बट उनके पास तो पावर नहीं है तो क्या प्रोसेस है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि इफ इट इज़ इन एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे स्टेप्स लेगी तो यहां मैंने नोट दे दिया है सो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी सो इफ स्टेट गवर्नमेंट वॉन्ट टू मर्च इट्स टू पब्लिक कंपनी दे हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट चलो जो ये ऑर्डर निकालेंगे कि भाई दो कंपनी आपस में एमएलगेमेंट हो जाए अच्छा ये दो कंपनी क्या जरूरी है गवर्नमेंट कंपनीज होनी चाहिए नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है देखिए कहीं पे भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि हम यहां पे कौन सी कंपनीज की बात कर रहे हैं तो एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड इज कवर्ड हि ठीक है द ऑर्डर मे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर Continuation ऑफ एनी पेंडिंग लीगल proceedings, ठीक है बाय और अगेंस्ट द company कंपनी टू बी by or अगेंस्ट ट्रांसफर कंपनी ठीक है सच कॉन्सिक्वेंशियल इंसिडेंटल एंड सप्लीमेंटल प्रोविजन एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द amalgamation. ओके okay, जैसे हमने सेक्शन 230 और 232 में पढ़ा था कि ऑर्डर क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसी तरीके से ये दो छोटी सी चीज़ें हमने और दे दी जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल यही सब हम बोल सकते हैं और 232 के अंदर हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे ऐसे ही यहां पे है कि ऑर्डर में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एक तो लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होगी और एनी अदर मैटर दे सकते हैं टू इम्प्लीमेंट द स्कीम अच्छा उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे सेम इंटरेस्ट राइट्स और कंपेसेशन तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट दो कंपनीज़ को एम होने को बोल रही है तो उससे किसको असर पड़ेगा उस कंपनी के मेंबर्स को जो कि शेयर होल्डर हो गए उस कंपनी के क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स के अंदर आपके वो लोग भी आ गए जिन्होंने कंपनी को लोन दिया डिवेंचर होल्डर्स हो गए तो उनके जो राइट्स से, हैं वो सेम रहेंगे अगर हम ये बोल रहे हैं कि भई आपका दस लाख रुपये आपको लेना था अब आपको नई कंपनी में सिर्फ छः लाख ही लेना होगा तो वो चार लाख रुपये जो नुकसान हो रहा है उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ठीक है तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं एवरी मेंबर एंड क्रेडिटर इंक्लूडिंग अ डिवेंचर होल्डर तो क्रेडिटर के अंदर हमने डिबेंचर होल्डर भी इंक्लूड करा दिया इधर बोल दिया ऐसी अदरवाइज ऑल्सो नहीं भी बोलते तो भी इंक्लूड ही होता एवरी मेंबर एंड क्रेडिटर इंक्लूडिंग अ डिबेंचर होल्डर ऑफ ईच ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिफोर एम एल के मिशन शेल हैव सेम इंटरेस्ट और राइट अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी एज ही एड इन ट्रांसफर कंपनी तो नई कंपनी में भी उनके सेम इंटरेस्ट और राइट होंगे जो कि उनकी पुरानी कंपनी में थे अगर इन केस दिस इज लेस तो फिर उनको कंपनसेशन मिलेगा किससे बाय द ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी हो गई आपकी जो न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी उनको कंपनसेशन देगी ठीक है अब ये कंपनसेशन कितना होगा ये कौन जज करेगा द कंपनसेशन शैल बी एसेस्ड बाय द अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड तो ये कोई अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कितना कंपनसेशन मिलना है और जो भी ऐसा असेसमेंट होगा डेट विल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट ओके अब लेट से कि मेरे एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग थी मेरे पास उस कंपनी के पचास शेयर थे मेरे को बोला गया भाई आपको पचास की जगह हम सिर्फ दस शेयर देंगे तो मैंने नई कंपनी की वैल्यूएशन देखी मैंने कहा ये तो मेरे को नुकसान हो रहा है और जो ये कंपनसेशन बता रहे हैं ये मेरे को पसंद नहीं तो मैं क्या करूं तो अब उसके लिए मैं ट्राइबूनल में अपील फाइल कर सकता हूं अपील फाइल करने के लिए मेरे पास कितना टाइम होगा थर्टी डेज के अंदर मेरे को अपील फाइल करना है हैं थर्टी डेज कब से जब से ये असेसमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है तो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर अपील बाय एग्रीव पर्सन ऑन असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन तो ये थोड़ा ध्यान देना है ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर एनी पर्सन एग्रीव बाय एनी असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन मेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच असेसमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट प्रेफर एन अपील ठीक है विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट प्रेफर एन अपील टू द ट्राइब्यूनल एंड देयर अपॉन द असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन शेल बी मेड बाय द ट्राइब्यनल ओके अच्छा अगर कोई बंदा ये बोले कि ये जो एमलगमेशन हो रहा है यही गलत है मैं तो कह रहा हूँ ये एमलगमेशन ही नहीं होना चाहिए इसको ही आप एन एल एंड वॉयड करो तो इज डेट पॉसिबल नहीं उसका यहाँ कोई प्रोविजन नहीं दे रखा तो एग्रीव पर्सन डज नॉट हैव ए राइट टू गेट एम एमिश तो इसके लिए आपके पास क्या राइट है आप कोर्ट में जा सकते हो हाई कोर्ट में जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ वहां पे जाके लड़ो गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट वहां पे आप प्रूव करो कि ये जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है डेट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट ओके इससे रिलेटेड एक केस हुआ था अभी मैं आपको दिखाता हूं चलो अभी ये बात हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि दो कंपनीज़ का एम होना चाहिए इट इज़ वेरी एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट तो वो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई करेगी और जितने भी पुरानी कंपनी के मेंबर क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर हैं उनके जो राइट्स और इंटरेस्ट है वो सेम रहेंगे इन न्यू कंपनी और अगर नहीं होते उनको कुछ कंपनसेशन मिलना है तो कंपनसेशन मिलेगा कंपनसेशन कितना मिलेगा कौन डिसाइड करेगा अथॉरिटी विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाई अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसाइड करेंगे ठीक है और अगर कोई बंदा उससे खुश नहीं है उस कंपनसेशन से तो वो विद इन थर्टी डेज जब ये कंपनसेशन पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेट में उसे थर्टी डेज के अंदर ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं जब ये अपील भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है पार्लियामेंट में पेश करेगी तो फाइनल ऑर्डर ऑफ एम एल कमीशन शेल बी लेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो इससे पहले रिक्वायरमेंट क्या है फॉर पासिंग एन ऑर्डर नो ऑर्डर शेल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस अ कॉपी ऑफ द प्रपोज ऑर्डर हैज़ बिन सेंट एंड ड्राफ्ट टू ईच ऑफ द कंपनीज कंसर्न तो ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेली uh, मतलब गवर्नमेंट का मन किया और उन्होंने उठा के कि किसी दो कंपनी को एम एल कर दिया तो गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है पहले दोनों कंपनीज़ को नोटिस भेजेगी कि हम ये ऑर्डर प्रपोज कर रहे हैं तो कंपनीज़ फिर अपने वहाँ पे डिस्कस करेगी तक डिस्कस uh, करेगी उनको जो भी प्रॉब्लम होगी वो वापस गवर्नमेंट को बताएंगे और गवर्नमेंट उसको इनकॉर्पोरेट करेगा उसके बाद नीचे दे रखा बी पॉइंट द टाइम फॉर प्रेफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन टू थर्टी सेवन सबसे फोर हैज़ एक्सपायर्ड और वेयर एनी सच अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड द अपील हैज बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ ठीक है तो ये जो यहाँ पे कंपनसेशन दिया है तो कंपनसेशन दिया ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया उसके बाद आपको थर्टी डेज तक वेट करना है कि कोई और बंदा आके ट्राइब्यूनल में उसको अपोज़ ना करे मान लो थर्टी डेज़ के अंदर किसी ने अपोज नहीं किया देन फिर गवर्नमेंट फ्री है उसको आ, आगे बढ़ाने के लिए मतलब वो अपना एमएल कमीशन का प्रोसीजर आगे उसको कैरी ऑन करे बट अगर विद इन थर्टी डेज किसी ने अपील फाइल कर दी तो पहले आप उस अपील को डिस्पोज ऑफ करो देन फिर गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है ठीक है तो ये पॉइंट हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेड सच मॉडिफिकेशन इन द ड्राफ्ट ऑर्डर एज इट मे डीम फिट इन द लाइट ऑफ सजेशन एंड ऑब्जेक्शन रिसीव फ्रॉम कंपनीज देर शेयर होल्डर दे क्रेडिटर विद इन सच टाइम एज फिक्स इन दैट बिहाफ नॉट बीइंग लेस देन टू मंथ्स, ठीक है तो ये जो गवर्नमेंट uh, यहाँ पे कॉपी दे रही है टू ईच कंपनी तो उनको साथ में टाइम भी दिया जाएगा डिस्कस करने के लिए विच शुड नॉट बी लेस देन टू मंथ कम से कम दो महीने का तो समय देंगे इनको डिस्कस करेंगे ये लोग भी अपनी मीटिंग वगैरह बुलाएंगे और फिर जो भी इनके सजेशनस होंगे ऑब्जेक्शन होंगे गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगर गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती गवर्नमेंट आर्बिट्रेली कर देती है अपना डिसीजन दे देती है तो फिर इनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कोर्ट में जाओ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करो हाई कोर्ट में जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ ठीक है तो जब ये सारे हर्डल्स पूरे हो जाते हैं सब कुछ और के हो जाता है तब उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट जो एम एल कमीशन का ऑर्डर है उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा उसके अंदर पेश कर देंगे डेट सेट इतना ही है ओके okay? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक केस बता रहा था कि केस हुआ था केस क्या था अभी वो डिस्कस कर लेते हैं देखिए ये केस है सिक्सटी थ्री मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ठीक है तो इसके अंदर क्या हुआ था एक एक्सचेंज था नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में एन बोलते थे ये था 99.99 नाइन परसेंट सब्सिड्री ऑफ दिस कंपनी 63 थ्री मूनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ओके और पहले इसका नाम था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड तो ये जो कंपनी थी एन इसके अंदर कुछ ना घाटा वगैरह लग गया था फ्रॉड हुआ था ये? समथिंग कुछ ऐसा हुआ था बिकॉज ऑफ विच दे शट डाउन इट्स ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट ठीक है एंड वॉज ऑर्डर डेट इट कै नॉट एंटर इंटू एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट बाई सेबी और सेबी ने ऑर्डर दे दिया अब आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते बिकॉज आपने घपला कर दिया तो जब ये क्राइसिस हुआ तो फिर जो एम सी ए जो गवर्नमेंट हो गई तो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया कि एन एस सी एल और ये सिक्सटी थ्री मून ये जो कंपनी है ये आपस में मर्ज हो जाए तो ये तब उस वक्त पुराना कंपनी लॉ होता था उसके अंदर ये 396 सेक्शन था अब नए कंपनी लॉ के अंदर ये 237 हो गया तो फिर द कंपनी चैलेंज द ऑर्डर तो कंपनी ने ये ऑर्डर को मतलब कौन सी कंपनी 63 मून टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा कि ये भाई ये घाटा लग गया इस कंपनी में और जिन्होंने फ्रॉड किया वो पकड़े गए वगैरह जो भी है अब इससे हमारी पेरेंट कंपनी का क्या मतलब कंपनी जो घाटा लग गया लग गया अब उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हम क्यों इस घाटे को सहन करें अपने साथ मर्ज करके तो इन्होंने पहले केस डाला बॉम्बे हाँ कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया फिर उसके बाद इन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कंपनी के फेवर में डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा द सुप्रीम कोर्ट एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर तुम ऐसे ठीक था सॉरी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ मर्जर एंड स्टेटेड दैट द मर्जर डिड नॉट सेटिस्फाई द पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरिया जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये बहुत एसेंशियल है एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा एंड देयर फोर देयर शुड बी नो कंपल्सरी एमलगमेशन The term public interest was defined by the court as the greatest interest of the public and at large when compared with individual or private group of individual. It was further held by the court that an amalgamation will be considered in the interest of public if it is shown a positive impact over the community in terms of employment, production and consumption of goods and services. On the other hand, if any amalgamation between company leads to the obstruction of promotion and growth of community, then such amalgamation are not considered in the interest of public. कोर्ट हेल्ड डेट द मर्जर वुड नॉट प्रोवाइड एनी कंपनसेशन टू द डेटर एंड शेयर होल्डर ऑफ एफ टी आई एल तो एफ टी आई एल के जो डेटर है और उनके शेयर होल्डर है उनको तो नुकसान हो जाएगा ना कि एक सब्सिडरी uh, लॉस वाली सब्सिडी को ये लोग अपने अंदर एमएल मीट कराएंगे तो उनको कोई कंपनसेशन तो मिल नहीं रहा एंड फर्दर हेल्ड देयर वॉज कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द अथॉरिटी डेट वॉज एसेंग कम्पनसेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर बस तो ये था बाकी आप गूगल पे करके थोड़ा पढ़ सकते हो इसके बारे में तो बेसिक चीज़ क्या थी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी गवर्नमेंट काम करेगी डेट वुड बी डन इन द पब्लिक इंटरेस्ट और अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिसके अगेंस्ट जाना है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और जहाँ तक हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो कंपनसेशन के लिए आपके पास ट्राइब्यूनल है आप वहाँ ट्राइबूनल में जा सकते हो अब इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन कॉटन यन लिमिटेड एंड कंट्री कॉटन ब्लॉसम लिमिटेड आर टू लिस्टेड कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल द कंपनी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट एंड एज सच दे शेयर मार्केट प्राइस हैव गॉन डाउन अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ देयर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज विद सम पब्लिक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द शेयर वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट वॉन्ट टू एमलगमेट द दफोर्सेड टू कंपनीज इन टू ए सिंगल कंपनी एग्जामिन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एमलगमेट द टू कम्पनीज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कम्पनीज़ एक्ट तो अब आपके पास सिम्पल इन्होंने पूछा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब आपको यहाँ पे अपना फालतू का एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना हो केस लॉ वाला सिंपल जाके ये प्रोविज़न लिखाना पाँच पॉइंट एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ कि ये गवर्नमेंट की पावर है ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कर सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये मेरे को लगता है पॉइंट ठीक है चलो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर्ड फॉर द एमलगमेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड डीईएफ लिमिटेड इनटू सिंगल कंपनी नेम्ड केपीएन लिमिटेड थ्रू ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इन द कनेक्शन

ठीक है तो ये जो मिस्टर गणेश है ये एम से भी सेटिस्फाइड नहीं है और कंपनसेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो एडवाइज हिम वेदर ही कैन चैलेंज द अब एम ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है ऑल्सो एडवाइज हिम विद इन हाउ मेनी डे एंड बिफोर विच अथॉरिटी ही कैन प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एडवाइज इम रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन इन दिस रिगार्ड ठीक है तो भाई वो इस ऑर्डर को तो चैलेंज नहीं कर सकता जो कंपनी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एमएल कमिट करेंगे उसको चैलेंज करना है तो कोर्ट में चले जाओ बट एज पर सेक्शन टू थर्टी सेवन ठीक है एज पर सेक्शन टू थर्टी सेवन वो ट्राइमिनल में जा सकता है तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपका आएगा टू थर्टी सेवन सब सेक्शन फोर ये आपको लिख के आना होगा तो आंसर के दो पार्ट है पहला कि एज पर सेक्शन 237 वो इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकता एम एल कमीशन को बट वो कंपनसेशन को चैलेंज कर सकता है विद इन थर्टी डेज जब वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है तब से और जब तक उसका वो डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा बाई ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती ओके okay? चलो एक क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन CRP Limited and TJC Limited are wholly owned by government of Tamil Nadu. As a policy matter, the government issued administrative order for order order, order administrative order for meeting TJC Limited meeting, sorry, for merging TJC Limited with CRP Limited in the public interest. State the authority with whom the application for merger is required to be filed. अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑल्सो स्टेट द प्रोविजन गवर्निंग द प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ टीजेसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर अंडर द सेड एक्ट टीजेसी हो गई आपकी पुरानी कंपनी ठीक है तो ये आपका कवर होता है सेक्शन नंबर टू थर्टी नाइन से ओके okay? और ये जो अथॉरिटी है किसके पास है ये अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू मर्ज इट्स टू पब्लिक कंपनी दे हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी इफ स्टेट गवर्नमेंट वॉन्ट टू मर्ज इट टू पब्लिक कंपनी दे हैव टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये अभी रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आया था और ये जो प्रोविजन पूछ रहे हैं बुक्स को प्रिजर्व करने का ये सेक्शन 239 के अंदर दे रखा है तो ये भी अभी मैं आपको साथ में करवा देता हूँ ये छोटा सा आपका प्रोविजन है सेक्शन टू थर्टी नाइन अ कंपनी विच बिन एमेलगामेटेड विद अनदर कंपनी और वो शेयर हैव बिन एक्वायर्ड बाय अनादर कंपनी अंडर चैप्टर शेल नॉट डिस्पोज ऑफ इट्स बुक एंड पेपर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है उसके बाद सेकेंड पॉइंट कब तक प्रिजर्व करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर ग्रांटिंग परमिशन मे अपॉइंट अ पर्सन टू एग्जामिन द बुक्स एंड पेपर फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर दे कंटेन एनी एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन और फॉर्मेशन और द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी ऑर एमगमेशन और एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी राइट तो कोई टाइम पीरियड नहीं है बस आपको सिंपल ये बोल दिया कि जो पुरानी कंपनी है वो अपने बुक्स एंड पेपर तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती सिंपल बात है और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी उसको बुक्स को पूरा प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे कि कोई ऑफेंस ना हुआ हो आ, नहीं, पुरानी कंपनी की प्रमोशन या फॉर्मेशन में या नई कंपनी इसमें एमलगमेशन के अंदर ठीक है तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है सेक्शन याद रख लेना टू थर्टी नाइन तो चलिए इसके साथ हमारा ये सेक्शन भी फिनिश होता है टू थर्टी सेवन और टू थर्टी नाइन अब हमने दो और कर लिए ये हो गया इसके साथ मैंने आपको ये वाला सेक्शन और करवा दिया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम आ, स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन टू थर्टी थ्री से फास्ट ट्रैक से अब मैं एक लाइन में सीक्वेंस में आपको सब कुछ गो uh, थ्रू करा देता हूँ जितना भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आया करते हैं एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो सब अब हम कर चुके हैं अब हम जो करेंगे वो बस इसलिए कर लीजिए बिकॉज़ यू नेवर नो एग्ज़ाम में अब बचे हुए टॉपिक है इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए ठीक है बट जो मेन मेन चीज़ें थी वो अब हम हमारा हो चुका है इस चैप्टर से चलिए थैंक यू